हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पीसीबी की लाइब्रेरी बनाना। पीसीबी की लाइब्रेरी कैसे बनती है, लास्ट वीडियो हमने स्कीमेटिक लाइब्रेरी सीखा था, उसी का ही नेक्स्ट प्रोसेस है पीसीबी लाइब्रेरी। पीसीबी लाइब्रेरी में देखते हैं कैसे पीसीबी की लाइब्रेरी बनती है, उसमें कंपोनेंट कैसे बनते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल से न्यू लाइब्रेरी, पीसीबी लाइब्रेरी क्रिएट किया। एक आपके पास नई विंडो खुल जाएगी पीसीबी लाइब्रेरी की। अभी यहाँ पर जो ये हमारा मार्क है, ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है। तो हम एक काम करते हैं, आज बनाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हम लेंगे 470 माइक्रोफैराड, 50 वोल्ट का, और इसको बना के देखते हैं। इसका जो डाया है 10 mm का है, और जो पिच है, पिच के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। 10 mm डाया वाले पिच के लिए 5 mm का पिच है। लीड टू लीड डिस्टेंस जो हमारा यहाँ पर लीड टू लीड डिस्टेंस है, वो 5 mm का डिस्टेंस है। तो बनाते हैं, क्या करेंगे, प्लेस में जाएंगे, यहाँ से पैड लेंगे, प्लेस पैड, अपने पैड प्लेस कर लिया 0 पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पैड को नंबर देना है 1। डबल क्लिक करके जाएंगे तो 1 नंबर देना। अब आपको जो 5 mm के डिस्टेंस रखनी है, उसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका है, एक्सपीरियंस जब हो जाता है तब तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस कम होता है, ये बिगिनर्स के लिए क्या करना होता है, आप सबसे पहले अपना एक 5 mm का लाइन खींचिए। इस 0 से 5 mm का लाइन आपने लिया, जैसे आप देखेंगे ये 5 mm का लाइन है। 5 mm जो इस लाइन की लेंथ है वो 5 mm की है। 5 mm कैसे पता लग रहा है, आप अगर देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला लोअर कॉर्नर है, वहां पर मेरा कर्सर जहाँ पर है, ये वैल्यू दिखा रहा है 5.2 है। इसको 5 mm कर देंगे, ये हमारा 5 mm। अब एक पैड हम यहाँ पर रख देंगे, ये पैड है, इस पैड का नाम दे देंगे 2। अब जो हमारा प्लस बनेगा कैपेसिटर का, वो 1 होगा। इसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए रेक्टेंगल कर दें, जिससे कि हमें पीसीबी में पता लगे कि ये 1 नंबर पैड है, प्लस पॉजिटिव इधर है। तो ये अभी तक क्या हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दो पैडों के बीच की, ये बनी हमारी 5 mm, ये हमारा डिस्टेंस है। इसके दूसरे दो तीन तरीके हो रहे हैं, मैं दो तीन तरीके आपको बताता हूँ जल्दी में कि और कौन कौन से तरीके हैं। एक लाइन से है, फिर और कौन कौन से तरीके हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपनी ग्रिड सेट कर लें 5 mm की, जितने mm का पिच है उतने mm का है ग्रिड सेट कर लें। ग्रिड सेट कैसे करेंगे, हम व्यू में जाएंगे, ग्रिड्स में जाएंगे, सेट ग्लोबल स्नैप ग्रिड, और इसको 5 mm कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 mm कर दिया। तो अभी क्या होगा, हमारा कर्सर ना, जब हम पैड लेंगे, तो हमने एक पैड लिया, हमारा पैड क्या हो रहा है, 0 पर है अभी कर्सर। इसके बाद ये 5 mm पर मूव करेगा डायरेक्ट, बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं आएगी। 5 mm के बाद ये अगले 5 पे जाएगा, इसके बाद अगले 5 पे जाएगा। ये कर्सर 5 mm के अलावा कहीं नहीं रुकेगा नहीं। तो ये हमारा दूसरा पैड आ गया, ये हो गया 5 mm के बीच में। तो एक तरीका ये है, इसको भी 2 नंबर देते हैं। अब मैं आपको थर्ड तरीका बताता हूँ, थर्ड तरीका भी है, एक ट्राई और कर लेते हैं, जिससे कि आपको सारे तरीके एक वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों जो थर्ड तरीका है वो ये है, हमने इस पैड को दोबारा से राउंड किया हुआ है। हम इस प्रोसेस को करेंगे, थर्ड प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इस पैड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको कट कर देंगे। हमने कट किया और 0 पर ही क्लिक कर दिया, अभी ये पैड गायब हो गया। हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल से हम पेस्ट एरे में जाएंगे। पेस्ट एरे पे गए तो हमें क्या करना, आइटम काउंट, हमने कितने पैड रखने हैं, तो हमने 2 पैड रखने हैं। एक फर्स्ट वाला जो डिलीट किया है वो कंट्रोल एक्स किया था उसमें, यानी कट किया था, और टेक्स्ट के इंक्रीमेंट जो पैड के ऊपर लिखा हुआ है वो इंक्रीमेंट 1, क्योंकि 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। हमें लीनियर रखना है, एरे टाइप हमारा लीनियर होगा, क्योंकि हमें लाइन से रखना है, हमें सर्कुलर नहीं बनाना है। और स्पेस जो हमें रखना है, लीनियर जो स्पेस रखना है, वो लीनियर स्पेस हमारा होगा
5 mm का, क्योंकि हमें एक पैड के बाद दूसरा जो पैड है वो 5 mm के डिस्टेंस पर चाहिए। तो हमने ये सेट कर दिया और इसको ओके किया और जीरो पर हमने इसको क्लिक कर दिया, तो हमारे दो पैड रखे गए दोनों 5 mm के डिस्टेंस में। इंक टेक्स्ट इंक्रीमेंट भी हो गया, 1 2 लिखा हो गया। हम अब इसको रेक्टेंगल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, अपना व्यू में जाएंगे, अपनी ग्रिड को दोबारा से सेट कर लेंगे जिस ग्रिड पर हम काम करते हैं। मैं जैसे ग्रिड पर काम करता हूँ 5 mm में, मैंने 5 mm की ग्रिड पर अभी काम, अभी मैं इसको 2.5 mm पे रख देता हूँ। इससे हमारा एक काम और होगा, क्योंकि मुझे सेंटर पॉइंट लेना है दोनों पैडों का। तो मेरा जो मूव करेगा कर्सर, जीरो से फर्स्ट पैड से सेकंड पैड के बीच में 2.5 mm का गैप जो कि सेंटर आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम प्लेस में जाएंगे या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आर्क लेंगे, फुल आर्क लीजिए, फुल सर्कल। और अभी मैंने क्योंकि यहाँ से 2.5 mm का पैड लिया तो इसका सेंटर आ गया, हमने एक राउंड लिया और इस राउंड को हमने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी हम इसको पहले कलर इसका चेंज कर लेते हैं, इसका कलर टॉप ओवरले में होगा सिल्क स्क्रीन के लिए, लाइब्रेरी हमेशा टॉप ओवरले में ही बनती है। तो अभी हम अपना ग्रिड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर ले लिया है, गए अपना पी ग्रिड टॉगल। मैं 5 mm में काम करता हूँ तो मुझे 5 mm सेट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ग्रिड के, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई ग्रिड सेट कर सकते हैं। अभी हम इसका रेडियस रखेंगे, क्योंकि हमारे को जो डाया मिला हुआ है वो डाया मिला है इस कैपेसिटर का 10 mm, 20 mm इसका हाइट है। तो 10 mm का डाया रखने के लिए हमें रेडियस कितना रखना पड़ेगा, 5 mm का रखना पड़ेगा। हमने इसमें 5 mm रख दिया, हमारा जो रेडियस है 5 mm का। ये तो हो गया हमारा साइज। अब इस पैड का जो होल है वो होल कितना है, अभी अगर हम इसको मेजर करें, जो होल जो लिया हुआ है वो होल हमें चाहिए 0.5 mm, 0.6 mm। तो 0.6 mm का होल जो है, ये जो इन्होंने 0.6 mm दिया है, तो 0.6 mm की जगह पर हम 1 mm का होल करेंगे, क्योंकि जो पीसीबी होती है उसमें अगर मशीन से इंसर्शन होता है तो हमें होल का साइज थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि मशीन में कैपेसिटर को जाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर 0.6 mm में हम होल देंगे तो क्या होगा, वो बहुत टाइट जाएगा और हो सकता है उसकी लेग बेंड हो जाए, क्योंकि मशीन का फोर्स होता है, उस फोर्स को अगर टाइट जाएगा तो वो लैग उस फोर्स को थोड़ा सा हो सकता है उस समय उस फोर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा फोर्स लगने पर वो लैग बैंड हो जाए और कैपेसिटर सही से लगे ना। तो इसलिए हम प्रिकॉशनली इसको 1 mm का रखेंगे। तो हमने इसके होल को कर दिया 1 mm और हम जो पैड के एक्स वाई हैं इसको हम कर देते हैं 2 by 2, सेम दोनों पैडों का करेंगे। हम इसको ग्लोबल कमांड से भी कर सकते हैं, एक बार में दोनों पैड चेंज हो जाते हैं। मैं भी आपको सिंगल बता रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस में आएंगे तो फिर ग्लोबल कमांड भी आपको मिल जाएगी। ये दोनों का पैड हो गया। अब हमें क्या करना है, प्लेस में जाना है, यहाँ पर स्ट्रिंग रखनी है, एक हम टॉप लेयर करेंगे, प्लेस में जाना है, यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग रखनी है जिसको कि हम प्लस करेंगे और इधर एक माइनस, इसको प्लस, इसको करते हैं माइनस। ये हमारा कैपेसिटर का पोलैरिटी बता रहा है। माइनस करने का दूसरा तरीका भी है, इस प्लस को हम कैपेसिटर से बाहर कर देते हैं, जिस समय कैपेसिटर लगेगा तो प्लस छुप जाएगा। माइनस करने का दूसरा, माइनस के लिए एक और भी होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं पीसीबी में। हम एक करेंगे लाइन लेंगे, तो हम इधर से एक लाइन दे देंगे ऐसे, फिर हम ऐसे कर देते हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि ये साइड जो है वो हमारी माइनस की। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। अभी हम क्या करेंगे, इसमें टूल में जाएंगे, इस कैपेसिटर का फुटप्रिंट का नाम लिख देंगे, जैसे हमने 470 EF 50 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया है, तो हमने ये इसका नेम दे दिया और ये हमारा कैपेसिटर बन के रेडी। माइनस वाले को आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस का हमने इंडिकेशन दे दिया है।
अभी हम इसको सेव कर देंगे और ये हमारा पीसीबी लाइब्रेरी सेव हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि हमारा कैपेसिटर बनके रेडी हो गया। तो ये है तरीका जो इसमें बीच में 5.08 लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका एक्चुअल लाइब्रेरी में नहीं आएगा क्योंकि मैंने मेजरमेंट लिया था, इसलिए प्रिंट आ रहा है। थैंक यू।